हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में कोरोना को लेकर नए गाइडलाइन लागू। बाजार रात 10 बजे तक तो 10वीं से 12वीं तक स्कूलें 1 फरवरी से खुलेंगी। राजस्थान में कोरोना की पाबंदियों में आज से कुछ हद तक छूट मिलेगी। कोरोना गाइडलाइन के नए प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। जहां आज से बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे, वहीं वीकेंड कर्फ्यू से भी अब छूट मिल जाएगी। हालांकि बाजारों में लोगों को कोविड की पालना करनी होगी। इसमें लापरवाही पर प्रशासन की ओर से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक स्कूलें खुल जाएंगी। इसके साथ ही 1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पा करनी होगी। इसमें कर्मचारियों के सिंगल और डबल डोज दोनों की अलग अलग जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। अगर किसी संस्था की ओर से ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई हो जाएगी। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब शादियों में लोगों की लिमिट बढ़ाकर 100 कर दी गई है। 100 लोगों में बैंड वाले शामिल नहीं होंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रदर्शन, धरने, रैली और जुलूस सहित धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। राजस्थान सरकार ने 31 जनवरी तक सभी को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा था, लेकिन इसके विपरीत प्रदेश भर में अब तक 23 ऐसे जिले हैं जहां वैक्सीन की सिंगल डोज का भी टारगेट पूरा नहीं किया गया। प्रदेश में केवल एकमात्र जिला प्रतापगढ़ है जहां 18 साल से अधिक वाले आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।